नमस्कार, मैं मुकेश चौहान, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम साधारण ब्याज की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। इसके पहले हमने पार्ट 4 किया था जिसके अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था। वो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका राइट आंसर आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन सी 5 वर्ष। जो सबसे पहले 5 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उनका नाम है संगीता लहरे, वृंदा लहरे, कंचन सिन्हा, नेहा सिंह और शिवानी कुमारी। आप सभी को बधाई और उन सभी को भी बधाई जिन्होंने सही जवाब दिया है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम 3-4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे साधारण ब्याज के, सिंपल इंटरेस्ट के, जिसमें से पहला हम करने जा रहे हैं कुल ब्याज पे के आधार पर प्रश्न। एक्चुअली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट जो करा दिए हैं मैक्सिमम इसी में से आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने जो कराया है उससे आते हैं, उसके बाद 2, 3 और 4 जो मैंने कराया है उससे आते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं जो एग्ज़ाम में आमतौर पर देखे जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी वेराइटी होती नहीं सिंपल इंटरेस्ट में, तो उस सारी को मैं कवर करा देता हूँ, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आमतौर पर नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन को कैसे दिया जाता है उसको समझिएगा। क्वेश्चन ऐसा था, राकेश ने पीएनबी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में कुछ धनराशि, कुछ पैसा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखता है। मतलब समय दिया है 4 साल और दर दिया है 5 वर्ष, और बैंक कौन सा है, पीएनबी, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक था जिसमें दर है 5 और समय है 4। इतने समय के लिए पैसे को रख दिया गया, पैसा कितना हमें नहीं पता है। उतनी ही धनराशि एक और बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें 10% दर से 2 वर्षों तक रखा गया, ठीक है। तो एक और बैंक है देख लेते हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। इसमें दर हमें दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, ठीक है। यदि दोनों बैंकों से कुल मिलाकर 8,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज, जहां आपने सुना आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, मैं पार्ट 1 में बहुत बार बताया हूं, पार्ट 2 में भी बताया हूं और लगभग हर बार बोल रहा हूं कि साधारण ब्याज को हमें कैसे देखना है, मूलधन का RT%, आर और टी, है ना। तो हमें यहाँ भी ब्याज की बात कर रहा है, दोनों मिलाकर बोल रहा है, इस बैंक को मिलाकर 8,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो पीएनबी में हम देखते हैं कि ब्याज कितना है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ब्याज कितना है, तो बोलोगे आर और टी को गुना कर दो, तो 5 और 4, 5×4 मतलब 20% यहाँ पे क्या है, ब्याज है, ये समझ गए ना। 5 और 4 कहाँ से आया, ब्याज है, सीधी सी बात। प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितना बोला है, 10% और 2 वर्ष, मतलब ये दर है और ये समय है। तो यहाँ भी करोगे 10×2=20%, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला 20% पंजाब नेशनल बैंक का ब्याज, और यहाँ पे मिला है हमें 20% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज। बोला गया है दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना प्रतिशत होता है, 40% होता है, और ये 40% किसके बराबर है, तो 8,000 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 40% बराबर कितना, तो आप बोलोगे 8,000। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। बाद में हमें बोला गया है तो ज्ञात करें कि प्रत्येक बैंक में कितनी राशि रखा गया, प्रिंसिपल हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 100% = 8,000, नीचे आएगा 40, ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ये तो मैं बहुत बार प्रतिशत में करा चुका हूँ आपको, इससे ये कट गया, 4 × 4, 4×2 = 8, और यहाँ पे 2 जीरो, और इनका इनका गुणा करते हैं तो यहाँ आ रहा है 200, यहाँ पे है और यहाँ पे 2 जीरो, तो
आंसर हमारा आ रहा है प्रिंसिपल कितना, तो प्रिंसिपल हो गया आप 20,000। तो 20,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए राइट आंसर। और भी तरीके हैं इसको बनाने का, पर सिंपल वे रखिए। ब्याज की बात कर रहा है, फिर से समझा देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में बोला गया है कि जो ब्याज है, ब्याज मतलब दर और समय का गुना, 5×20% ब्याज यहाँ पे था, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 और 2, 10% और 2 वर्ष, यहाँ भी 20% ब्याज था। दोनों बैंकों मिलाकर पैसा कितना है, ब्याज कितना है, तो बोल रहे हैं 8,000। तो दोनों बैंकों को हम मिलाते हैं तो 40% ब्याज होता है। 40% यहाँ पे ब्याज है और पैसा कितना है, 8,000। ये दोनों आपस में बराबर है तो 100% निकालना है, सेकंडों का खेल है, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाएं फास्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, सरिता करिश्मा को कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए देती है। मतलब सरिता जो है करिश्मा को, ये सरिता करिश्मा को पैसा दी, वो पैसा क्या था बताया नहीं गया है, हमें बताया गया है कि दर कितना था, तो 10%, और समय कितना था, 3 वर्ष, ठीक है। आगे बोला गया है उतना ही धनराशि करीना को, एक दूसरी लड़की है करीना, उसको 15% दर से साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए देती है। यदि सरिता को कुल ब्याज 1500 रुपये, सरिता को कुल ब्याज कितना मिलता है, 1500 रुपये। यहाँ भी क्या हो रहा है, ब्याज आपस में जुड़ रहा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं सरिता करिश्मा को, के लिख लेते हैं, इसका ब्याज कितना आ रहा है। तो ब्याज आप बोलोगे 10 गुणा 3 बराबर 30% यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एक ले लेते हैं इसको, ठीक है। ओके, इसको जोड़ना है किससे, फिर किसको उसने पैसा दिया है, करीना को, यहाँ भी सेम नाम हो रहा है तो लिख लेते हैं, है ना, करिश्मा और करीना, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 साल और 15%, मतलब 15×3 बराबर यहाँ भी आ रहा है 30%। ये पहला ब्याज था, और जो दूसरे को दी गई इसको हम ब्याज 2 ले लेते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, 60% हो जा रहा है। कुल ब्याज कितना हो रहा है, 60%, और कुल पैसा कितना हो रहा है, कुल ब्याज यहाँ प्रतिशत में 60% और पैसे में कितना, तो 1500। तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1500 के बराबर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें राशि क्या है हमसे पूछा गया है, प्रत्येक को दिया गया राशि क्या है, ठीक है भाई। मतलब 100% हमें निकालना है, ओके। यहाँ पे हो जाएगा ये 1500, यहाँ आ जाएगा ये 60, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 100 का, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। 3 से कर लो, 3×2=6, ओके, 3×5=15, और ये 0, 2 से इसको काट लो, 2×1=, और ये हो जाता है 25। तो हमारे पास बच जाता है 25×100, इसका मतलब आंसर आता है 2500। 2500 इसका राइट आंसर होना चाहिए, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, देख लेते हैं। 30% यहाँ पे है, ओके, और यहाँ भी 30% है, देख लेते हैं, 5 तिया, ओह यहाँ गड़बड़ है, 10 तिया 30, ओके, और 15 तिया 45, सॉरी यहाँ गड़बड़ है, फिर से बना लेते हैं, मिस्टेक। मैथ है थोड़ा सा, दिमाग इधर हुआ तो गया। चलिए ये तो राइट था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे समय दिया है 3 और कितना था 15, तो 15×3 यहाँ हो गया 15×45%, ठीक है। दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 40 और 30 70 और 5 75%, ठीक है। 40, 30, 70 और 5 75%, और 75% किसके बराबर है, तो ये है 1500 के बराबर, हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्यों जोड़े, क्लियर है, हमें निकालना है 100%, सीधा
यहाँ पे आ गया 1500, 75 आ गया नीचे, और यहाँ पे गुणा होगा 100 का। ठीक है, 5 से कैंसिल करिए, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बच जाता है, और 5 पंचे 25, 5 से करेंगे तो 5 दिया 15, और यहाँ पे 00। ठीक है, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 1 0, इन दोनों को गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 20, और 100 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 1 2 3, 30, मतलब आंसर होगा 2000, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्लियर है बात, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन एक और बनाइए। चलिए बनाना शुरू करिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, मोहन किसी बैंक में कुछ पैसे को जमा कर रहा है, पता नहीं कितना पैसा, रेट है 12%, सिंपल इंटरेस्ट है, आपने देख लिया साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तक रखता है। कौन रखता है? मोहन, एक मोहन है। ठीक है, ये बैंक में पैसे को जमा कर रहा है जिसमें दर दिया हुआ है 12% और ये 4, मतलब 12 को 4 से गुना करना है, 12 दूनी 24, बढ़ते क्षति 12 चौक 48%, यहाँ पे क्या आ गया, ब्याज आ गया है इनका। ठीक है, ROT मतलब है परसेंटेज में ब्याज आ गया है। अब देखते हैं, यदि वही राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर, सेम राशि को रख रहा है, इस समय कितना है, यहाँ पे कंडीशन 2 है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन 1 था, 15% 3 के लिए, तो प्लस 15 × 3, 15 = 45%, मैं यहाँ पे परसेंट लगा नहीं रहा हूँ, एक कॉमन सेंस है, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो देखते हैं कितना होता है, 8 और 5, है ना, कितना हुआ, 8 और 5 13 का 3, हासिल आई 1 4 2 8 और 1 9, ये होता है 93%। ठीक है, इसके बदले में कुछ पैसा दिया गया है क्या, तो उन्हें पहले की अपेक्षा 9 रुपये ब्याज कम प्राप्त होता है, तो ब्याज जो है क्या हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है, पहले जो ब्याज प्राप्त हो रहा था उससे अब क्या हो रहा है, ब्याज कम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ज्ञात करें कि वह धनराशि क्या है, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है कि वह धनराशि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पहले बोल रहा था एक साथ ब्याज इतना हो रहा था, यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, इस बार जोड़ने की बात नहीं कह रहा है, इस बार हमें कह रहा है कि पहले जो ब्याज मिलता था यहाँ से, अब जो ब्याज मिल रहा है इससे क्या हो रहा है, 9 रुपये कम ब्याज मिल रहा है, मतलब पहले जो प्रतिशत था और अभी जो प्रतिशत है, इन दोनों का हमें अंतर देखना है, तो अंतर कितने प्रतिशत का आ रहा है, तो बोलोगे 3% का, तो ये 3% का अंतर आ रहा है, तो ये पैसे में किसके बराबर है, तो 9 के बराबर है, तो हमें निकालना है यहाँ पे मूलधन, मतलब 100%, तो यहाँ होगा 9/3 × 100, 3 एकम 3 और 3 × 3 = 9, और इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 300, हमारा प्रिंसिपल क्या आएगा, 300, ऑप्शन है। बात समझे, यहाँ पे क्यों नहीं जोड़े हम, यहाँ जोड़ नहीं सकते, यहाँ हमें क्या होगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये था पहला ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1 और ये था सिंपल इंटरेस्ट 2, हमें बोला गया है कि पहले जो ब्याज मिल रहा था उससे अब कितने रुपए कम मिल रहा है, 9 रुपये कम मिल रहा है, मतलब पहले ब्याज 48% था, इससे कितना परसेंट कम है, तो 3% कम है, इसलिए 3 बराबर क्या होगा, 9। क्लियर है बात, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमाता रहेगा, कभी जोड़ के बोलेगा, कभी घटा दो बोलेगा, ठीक है, चीज़ों को बस पढ़िए, समझिए और बनाइए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बस, जैसे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आपको क्लियर है कि हाँ ROT का गुणा कर दो, काम बन जाता है। तो मैंने अभी कुछ आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताया जिसके अंदर ब्याज को इकट्ठे दिया होता है, ठीक है, उसी तरह एक दूसरा टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में दिए जाते हैं जिसके अंदर क्या होगा, जब दो दरों की तुलना हो, मतलब हमें रेट जो दिया रहेगा उनका आपस में कंपेयर किया जाएगा, तुलना किया जाएगा, तो ब्याज की राशि और ब्याज की राशि क्या हो, समान हो, तो हमें कैसे उसको हैंडल करना है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज की दर
रेट हमें दिया हुआ है 11.5% से 10% हो जाता है। मतलब पहले जो था रेट दर था वो कितना था, 11.5% था, ठीक। अब जो दर दिया हुआ है ये तो पहले था, अब जो दिया हुआ है दूसरा, इसको हम R2 ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 10% हो जाने के कारण उस व्यक्ति को 4.5 रुपए की हानि हो जाती है। ऐसा होता है जिससे क्या होता है, उसको नुकसान होता है। तो हम देखते हैं ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या अंतर आता है, पहले इतना था अब इतना है, तो हम देखते हैं तो यहाँ पे आता है 1.5% का अंतर। पहले से नुकसान कितना हो रहा है, 1.5% का नुकसान हो रहा है, और वो किसके बराबर है, तो बराबर है 4.5 रुपए के बराबर है। तो हमें पूछा जा रहा है तो पूंजी कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था, तो आपको पता है मूलधन कितना होता है हमेशा 100% होता है। तो बस बना दीजिए 4.5, नीचे कितना आएगा 1.5, और गुणा किसका होगा, तो बोलोगे 100 का। यहाँ से आप ये हटाए तो ये भी हट जाएगा, 15 × 15, 15 × 3, 45, और इन दोनों का गुणा होगा तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन हो जाएगा 300। 3 × 100 = 300, ऑप्शन में 300 होना चाहिए, ऑप्शन में। क्लियर है बात, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, है ना, बनने चाहिए। चलिए अगला बनाइए तुरंत। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कमेंट करते हैं, उनसे पता चलता है हमें। चलिए एक क्वेश्चन को देखिए, किसी साहूकार को पता चला कि उसकी वार्षिक आय की दर 8% से 7/3/4% हो गया। मतलब जो दर था, मतलब रेट था, वो पहले कितना था, तो था 8%, एक क्वेश्चन में दिया हुआ। बाद में क्या हो गया ये, इसको मैंने R2 मान लिया, बाद में हो गया ये 7/3/4%, ठीक है। उसकी जो आय है वार्षिक आय में 61.50% की कमी हो गई। ऐसा होने के कारण क्या हुआ, 61.50 रुपये उसका कम हो गया। तो आप बताओ प्रतिशत में कितना कम है। तो कई लोग क्या है, अगर मैं यहाँ पे 7% देता तो तुरंत बना लेते, यूँ सेकंड नहीं लगाते बना लेते। अब कुछ लोग इसी में उलझे रहेंगे और उनको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे घटाऊँ, कैसे क्या करूँ, ठीक है। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। मैंने प्रतिशत की जो क्लास शुरू में ली थी, 2 क्लास, इसलिए लिया था ताकि ये सब चीज़ें कभी भी फंसे तो यूँ सॉल्व कर दो। आपको पता है, मान लो यहाँ पे सिर्फ 8 होता और यहाँ पे सिर्फ 7 होता, तो आप दोनों का अंतर निकाल लेते 1 और तुरंत बना देते 1 = इतना, तो 100 = इतना, करेक्ट बोल रहा हूँ। पर अभी हो गया 7/3/4, तो कई लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, बटे में ऐसे करके लिखेंगे। ऐसे लिखोगे 7×28 = 29, 31/4, फिर भी फंस गए। तो देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद होगा आपको, 1/2, 1/3, 1/4 पढ़ाया था, 1/5। ये मैंने इसलिए कराया था कि जब कभी ऐसा सिचुएशन आए तो ये हैंडल कर लो। जैसे आधा कितना होता है, तो आप बोलोगे 50%, 1/3, 33/1/3%, 1/4 बोलोगे 25%, 1/5 फिर बोलोगे आप कितना, 20%। ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा चुका है, प्रतिशत में आपको याद होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, 3/4, 7 तो पूरे हैं ना, ये बात जो चल रही पॉइंट में चल रहा है, 1 से कम है, ध्यान रखना ना, हाँ। तो 1/4 अगर इतना है तो 2/4 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 50%, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा 3/4 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये होता है 75%, क्लियर है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 3/4 ही तो बोल रहा है। तो तुरंत आप इसको सोच के बना सकते हैं कि क्या बेवजह से इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, या उसको सॉल्व करते समय ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। तो आपको ये पता है 7 है और 8 है और ये है 7/3/4, मतलब 7 से कुछ ज़्यादा होगा, तो इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ क्या, 7/3/4 कितना होता है, 75, हो गया। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 8% और 7.5
7.5% में अंतर बताओ, तो आप बोलोगे सर इसमें तो अंतर है 0.25% का। क्लियर हो गया बात? ओके, जब आपको ये पता चला कि 0.25% किसके बराबर है, तो ये है 61.50 रुपये के बराबर। तो ये है 61.50 रुपये के बराबर, ठीक है। आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है 100%, करेक्ट है। उसका धन कितना था, मतलब मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था, तो सेम 61.50, यहाँ से ये नीचे आएगा तो 0.25 और इंटू हो जाएगा ये 100 का। तो पहले पॉइंट हटा लो, नीचे भी ये है इधर भी ये है, ठीक है। 5 से काटना या 25 से काटना आपकी इच्छा, 5 से ही काट दो, 5 × 5 = 25, 5 से काटो, 5 × 1 = 5, यहाँ पे बच गया 1, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और ये 0, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, यहाँ बच गया 2, यहाँ है 3, 5 × 4 = 20 और 5 × 6 = 30, मतलब यहाँ पे बच के आया है 246 × 100 और आंसर होगा 246 और ये 00, मतलब 24,600 इसका राइट आंसर है। और एग्ज़ाम में आप इसको छोड़ देते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को। तो इसलिए मैंने वो सीरीज़ अगर आपने नहीं पढ़ा है, नए हैं तो प्रतिशत को पक्का पढ़ी है, मैं तो बोलूँगा पूरा सीरीज पढ़ी है। फिर भी अगर इन सब चीज़ों को समझना है तो मैंने प्रतिशत के पार्ट 2 में इसको बहुत डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, चलिए बनाइए। चलिए क्वेश्चन है, मोहन सोहन को कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए उधार देता है। मोहन ने सोहन को कुछ पैसे 3 साल के लिए उधार दिया है, ध्यान रखना कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, हमें समय बता दिया गया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 3% ज़्यादा रखा जाता, जो भी ब्याज उस दिया हुआ, जो भी पैसा उसको दिया हुआ है उसमें जो दर था 3 साल के लिए, वो कितना बढ़ाना है, 3% बढ़ाना है, तो उसे 540 रुपये ज़्यादा मिलता। तो हमें ये देखना है कि जो मोहन था वो जो सोहन को पैसा दिया है, पहले कुछ पैसा दिया होगा, उसमें जो उसको ब्याज मिल रहा था 3 साल में वो कितना मिल रहा था, वो अब जो है 3 साल बाद 3% बढ़ाने से 540 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब 1 साल में, 1 वर्ष में 3% बढ़ा दर, फिर दूसरे वर्ष फिर कितना बढ़ा, तो फिर 3% बढ़ा, और चौथे वर्ष सॉरी दूसरा और तीसरे वर्ष कितना बढ़ा, तो फिर से 3% बढ़ा। तो आप इसको डायरेक्ट सोच सकते थे, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ कि जब ब्याज की दर 3% बढ़ गया है और समय कितना है 3 साल, तो 9% बढ़ जाएगा डायरेक्ट। कितना बढ़ेगा 3 साल बाद, 3 साल बाद या 3 वर्ष बाद टोटल कितना बढ़ेगा, तो ये 9% बढ़ेगा। और ये जो 9% बढ़ा है ब्याज, ये कितने रुपए के बराबर होगा, तो आप बोलोगे 540 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि वो पैसा कितना था, तो मतलब 100% आपको निकालना है फिर से, तो 540/9 और गुणे में 100, 9 × 9 और 9 × 6 = 54, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6123 30, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, कितना 6000 ऑप्शन सी में। क्लियर है बात? चलिए आगे चलें, ये बात समझ आई ना, आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सोच सकते हैं। इसने उसको पैसा किया था 3 साल के लिए उधार दिया, ठीक है, 3% दर ज़्यादा हो जाता है तो इतना पैसा उसको ज़्यादा मिलता है, तो 1 साल में 3, तो 3 साल में 9%, डायरेक्ट 9% बराबर 540, तो 100% बराबर 6000, कहानी ख़त्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बनाइए वीडियो रोकिए, बनाइए फिर चेक करिए आप सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, तब फायदा होगा। राकेश किसी धन को बैंक में जमा किया 3 वर्षों के लिए,
राकेश ने बैंक में 3 साल के लिए पैसा जमा कर दिया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 3% कम कर दिया जाए, जो पैसा जमा किया था उसमें ब्याज की दर इस बार 3% कम कर दिया गया, पिछले क्वेश्चन में ज़्यादा किया गया था, तो 81 रुपये ब्याज उसको कम मिलता है। सेम बात, 3 साल था टाइम और रेट जो है 3% क्या हुआ है, कम हुआ है। तो मैं बोलूँगा टोटल कम कितना हुआ है, तो 9% कम हुआ है, और 9% किसके बराबर है, 81 रुपये कम होता है उसके बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है, तो 100% निकालना है। तो आपको दिख ही गया होगा आंसर, 81/9 गुना 100, 9 एकम 9 निया, और इसका गुणा किए तो आंसर आ गया 900। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, तो इतना समय लगना नहीं चाहिए सब में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कई जगह पूछे जाते हैं। मैंने इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें कुछ नियमित शर्त होते हैं, कैसे आपको भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लियर होगा। यदि मूलधन समान हो, क्या होना चाहिए, मूलधन प्रिंसिपल जो है बिल्कुल समान होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, और समय में 20% की वृद्धि, टाइम में, समय में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है 20% की, ओके। तो दर में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि ब्याज में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पे मैं एक बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, मैंने प्रतिशत में भी ये बात आपको बताई थी, फिर से इस बार आपको रिवाइज हो जाएगा, आप देखिएगा। एक्चुअल में जो साधारण ब्याज है इसको समझना ध्यान से, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, बहुत सारे चैप्टरों में आएगा और घुमा घुमा के आता रहता है, तो बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना। साधारण ब्याज क्या होता है, मैंने बताया है मूलधन का RT प्रतिशत होता है, ये मैंने आपको बताया है। जिसमें आपको क्या बोला, मूलधन जो है समान है, ये फिक्स है, चेंज उंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल समान है, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्याज जो है ये R और T का गुणा हो रहा है, यही तो हमने पढ़ा है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में हमें बोला गया है वृद्धि किया जाए 20%, किस में, समय में, इसके अंदर वृद्धि किया जाए। तो बताओ अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ब्याज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको मैं कम करूंगा तो भी ब्याज कम हो जाएगा, या इसको छोड़ दो, इसको बढ़ाऊंगा रेट को तो भी ये बढ़ेगा, इसको कम करूंगा तो भी ये कम होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है उसको पकड़ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ बात ये हो रहा है A/B×C। आपको याद आ रहा होगा मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रतिशत में कराए हैं, A की कमाई बोल सकते हैं, या A का धन या A का वेतन B के वेतन से इतना अधिक है, तो B का वेतन A के वेतन से कितना कम है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। एक वृत्त की, या आप उसमें कर लीजिए, एक वर्ग के भुजा को या एक आयत के एक लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल जो है ना बढ़े, समझ रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अब मैं इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा और समझना, इसका मैं एक कुछ मान रख लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे बराबर है, ठीक है, बी को मैंने मान लिया 5, यहाँ पे गुणा है, और सी को मैंने मान लिया 3 मान लेते हैं, तो 5 × 3 ये कितना होगा, 15। ये बात क्लियर हुआ, 5 × 3 = 15। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने लिखा 15/5×3, और इधर की चीज़ों को मैं मिटा दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ये हमारे पास एक सिचुएशन है, ये कुछ भी हो सकता है, समझना। मेरे को अगर मैं आपको बोलूं ये 3 को भाई बढ़ा दो, 3 × 4 कर दो, इसको मैं 4 कर देता, तो किस पे फर्क पड़ेगा,
यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा? इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ने वाला है? 15 को। अब मैं यहाँ 15 नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 20। समझ रहे हो? उसी तरह अगर मैं यहाँ पर 5 को बोल दूँ कि आप 4 लिखिए, कम कर दीजिए, और इसको मैं सेम लिख दिया, तो इस बार क्या मैं 15 लिख सकता हूँ? नहीं। क्या लिखूँगा? 4 × 3 = 12। फर्क किसको पड़ा? इसको। तो आप एक बात को जान लीजिए कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर दो चीज़ों का आपस में गुणा हो रहा हो, अगर मैं सी को बढ़ाता हूँ तो भी ए बढ़ेगा, अगर मैं बी को बढ़ाता हूँ तो भी ए बढ़ेगा, अगर मैं बी को कम करता हूँ तो ए कम होगा, अगर मैं सी को कम करता हूँ तो भी ए कम होगा, अगर दोनों को बढ़ाता हूँ या एक को बढ़ाता हूँ दूसरे को घटाता हूँ तो फर्क किसको पड़ने वाला है? ए को पड़ने वाला है। और इसी के लिए एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, याद होगा मैंने लिखाया था ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। याद आ रहा है प्रतिशत में? तो ये सब चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार पूछा जाता है, तो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा चीज़ है, इसको बस ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं? मैंने प्रतिशत में एक बात और भी बताया था कि प्रतिशत का बढ़ना और प्रतिशत का घटना, अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब है 110/100, ठीक है। पॉइंट में क्या होता है वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल कर दी हैं, आप प्रतिशत जाके पक्का देखना, प्रतिशत का बढ़ना और घटना मैंने अलग से कराया है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मूलधन समान है, समय में 20% की वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो दर में कितना कम करूं कि उसका ब्याज ना बढ़े? सेम हमसे बोला जा रहा है, ए नहीं बढ़ना चाहिए, बी इंटू सी था, इसमें किसी भी एक को बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसे हमें उसके बदले में कम करना है ताकि ये क्या हो? सेम रहे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात याद रखिएगा मेरा, 20% बढ़ना है तो आप 20 को ऊपर रखिए, ठीक। और 20% बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत कम हो, इसका मतलब 20 ए है तो अगर बढ़ रहा है तो कितना होगा? 100 से ज़्यादा, मतलब 120, ठीक है। गुणा किसका? 100 का। इससे ये कट गया 1/6, और 1/6 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ 16.66% होता है, या इसी को लिखते हैं 16 × 2/3%, याद होगा आपको। तो ये है इसका राइट आंसर, समझ गए। अगर आप 1/6 नहीं समझ पा रहे हैं, आप इसको भाग दे के देखेंगे 100 को 6 से तो यही आएगा। आप प्रतिशत देख लीजिए, ये सबको शॉर्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है एग्ज़ाम में, यही सब समय बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं एक क्वेश्चन, 120 कैसे आया समझ आया ना, क्योंकि 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा इसमें। यदि मूलधन सेम समान हो, दर में 20% की इस बार कमी है, ओके, समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, समय को कितना बढ़ा दिया जाए ताकि ब्याज कोई परिवर्तन ना हो? सेम क्वेश्चन है, 20% की कमी, यहाँ लिखेंगे 20, कमी हो रहा है, 100 से 20 कम करोगे कितना आएगा? 80, और गुणा होगा 100 का, 20 से कम और 20 × 1/4 कितना होता है? तो आप बोलोगे 25%। आंसर कहीं पर है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वही जो प्रतिशत वाला मेरा वीडियो देखे हैं उसके लिए मेरे ख्याल से तो क्लियर होगी बातें, या इसके लिए फार्मूले भी लिख सकते हैं, पर मैं तो बोलूँगा ऐसे इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, लगभग चैप्टरों में आते हैं घूम घूम के, ठीक है। चलिए अगला, यदि समय में 40% की वृद्धि, देखो इस बार टाइम में 40% की वृद्धि हो रही है, ओके, दर में 20% की कमी हो रही है, ठीक है, ब्याज में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, है ना। तो चलिए हमें इस बार क्या है, आरओटी ब्याज क्या होता है आपको पता है? ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, आरटी परसेंट मूलधन का, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है समय 40% की वृद्धि, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 140 बटा
100 लिख सकता हूँ, या शॉर्ट में बनाना है दो तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। आगे इनटू 20% की कमी मतलब 80/100, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। या इसको ऐसे कर लीजिए, 100 बचा के रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ऐसे में क्या उलझ जाओगे। 40% का वृद्धि मतलब 140/100, ठीक है। 20% की कमी मतलब 80/100, 100 को बचा के रखिए, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसको गुना कर दीजिए आप, ठीक है। कितना आएगा, 14, ओके। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं 100 से कितना, 12% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, 12% कहीं है ये, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं 100 क्यों बचा के रखा था, इसके पीछे कारण है, 100 से हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ों को, या इसको दूसरे तरीके से देखना है, जिन्होंने प्रतिशत वाला पढ़ा होगा उनको और ईजी से समझ आ जाएगा। 40% की वृद्धि, इसका मतलब 40% होता क्या है, तो आप बोलोगे सर 20% जो है 1/5 होता है, तो 40% जो है क्या होगा, 2/5 होगा। 40% की वृद्धि का मतलब है इन दोनों को जोड़ देना, तो 5 और 2 7, 7/5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 7/5, ठीक है, गुणा करेंगे। या आप डायरेक्ट वहाँ जाके देख लीजिए, नहीं तो ऐसे मैं करके बताता हूँ। 20% की कमी, 20% होता है सर 1/5, और कम करना है तो ये हो जाएगा 4/5, तो यहाँ आएगा 4/5, ठीक है। और जब इसको हम गुना करेंगे तो 7 चौक ये हो रहा है 28, और नीचे हो रहा है 25। अब हमें कंपेयर तो 100 से करना है, इसलिए हम जब यहाँ 4 का गुना करेंगे तो जाके यहाँ बनेगा 100, और यहाँ भी हम 4 का गुना करेंगे तो 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 24, 8 × 4 = 32, 2 + 3 = 7, और 4 × 2 = 8, 9 + 10 = 11। तो आप बोलोगे सर 111/100, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 100 से, तो बोलोगे 12% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो तरीके कई हैं, आपको जो सही आता लगता है वैसे बनाइए। तो जो भी प्रतिशत की कमी या वृद्धि बोलता है, तो आप उसको प्रतिशत वाले चैप्टर में जाके एक बार देख लेना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमने 100 इसलिए बचाया क्योंकि 100 से कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप काटिए, 100 को बचा के रखिए, तो 100 से हम कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में बना के लाना है, और जो सबसे पहले 5 लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। और साथ में आप ये भी कमेंट करना कि अगले में मैं सोच ही रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना जो है ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये पढ़ाने के पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों के बीच में जो मेजर अंतर है वो पहले एक क्लास में क्लियर करूँगा, उसके बाद आगे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।